हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रिजेट अकेडमी में। और आज हम आपको बताने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट 2018 RRB ग्रुप डी एंड ग्रुप सी एग्जाम डेट एंड मोड एग्जाम डेट, और इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें आपको बताएंगे। रेलवे का एग्जाम किस डेट को होने वाला है, तो देखते हैं कब होने वाला है एग्जाम। द इंडियन रेलवेज इज गोइंग टू हैव द बिगेस्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिस ईयर। दिस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स RRB ड्राइव विल गिव जॉब्स टू नियरली 89,000 गवर्नमेंट जॉब्स एस्पिरेंट इन रेलवे ग्रुप डी एंड ग्रुप सी पोस्ट दिस ईयर। मीन वाइल द एग्जाम डेट्स फॉर द फर्स्ट स्टेज CVT इज येट टू बी अनाउंस एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट RRB विल अनाउंस द डेट्स 10 to 15 डेज अहेड ऑफ द स्केड्यूल्ड एग्जाम। As per media reports, the CVT for Group D will be held in August this year, but the RRB is yet to be confirmed. It is worth mentioning that the brochure of the exam had it mentioned the Group D CVT exam would be conducted in April-May. However, the RRB is yet to release any dates. Earlier times now had reported being citing sources that there could be a further delay likely in the earlier times now had reported sitting sources that three could be a further delay likely in the announcement of the exam dates to late June or early July due to the huge number of applicants being received by the RRB. तो जिसका जो एग्जाम होगा वो उसका जून और जुलाई मंथ में होने वाला है इसका एग्जाम जो है। एक ये एक्सपेक्टेड डेट है इसकी, जो कोई ऑफिशियल डेट अभी क्लियर नहीं हुई है। ये डेट अभी मीडिया के द्वारा आई है, सोर्सों के द्वारा बताई जा रही है, जून और जुलाई इसकी डेट है। जुलाई या जून से एग्ज़ाम ज़रूर होगा, जून या जुलाई में ये एग्ज़ाम होगा। इसके एडमिट कार्ड जो है 10 से 15 दिन पहले आपको RRB की वेबसाइट पर मिल जाएंगे या आप sarkarirail.com से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम जो होगा वो CVT पैटर्न पर होगा, कंप्यूटर पर होगा। और इसका पेपर किस तरीके से आएगा, उसके लिए आप हमारे ऐप फ्रिजेट अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, फ्रिजेट अकेडमी ऐप, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और नई नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू, धन्यवाद।